Hey guys, I am Miss Materia. Once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing spider group study. Friends, I have already uploaded a video in which I have discussed Ophidia group study. वो मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था स्पाइडर ग्रुप पे भी वीडियो बनाने के लिए, सो आई हैव मेड वन. आई होप समवन फाइंड्स दिस हेल्पफुल. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, before we begin with discussing spider group, let's have a brief introduction about spiders. तो ये spiders की एक physical appearance के बारे में एक brief introduction दिया हुआ है. That spiders belong to order Araneida, a member of groups of arachnids characterized by having six pairs of appendages. जो spiders होते हैं उसमें six pairs of appendages होते हैं, जिनमें चार pairs उनके leg होते हैं और two main body parts होते हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं by a narrow stalk, including four pairs of legs and two main body parts attached by a narrow stalk. Now friends, when we talk about important remedies of spider group, here we have a list जिसमें से कई medicines आपने कई बार सुनी होगी, जैसे Theridion, Tarantula, Arena. ये कुछ ऐसी medicines हैं जिनके नाम ऑफेन सुनते हैं, बट स्टिल वी हैव फ्यू अदर नेम्स. ये सारी मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको स्पाइडर ग्रुप एग्जाम में डिस्क्राइब करने के लिए आता है, सो ट्राई मेमोराइजिंग मोर मेडिसिन. आप जितने ज्यादा मेडिसिन के नाम इंक्लूड करोगे, आपकी आंसर शीट या फिर आपका आंसर उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा. नाउ मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. किस तरीके से जो स्पाइडर होता है उसको हम स्पाइडर ग्रुप की रेमेडी के पेशेंट के साथ कोरिलेट करते हैं, यही हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में. सो हियर वी हैव द फर्स्ट पॉइंट. स्पाइडर हैज एट लेग्स सराउंडिंग द होल बॉडी एंड इन कांस्टेंट मोशन. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो स्पाइडर होता है उसके एट लेग्स होते हैं जो कि उसकी होल बॉडी को सराउंड करते हैं एंड वो कांस्टेंट मोशन में होता है. अगर इसके पेशेंट की बात करें तो पेशेंट्स आर ऑलवेज रेस्टलेस. जिस तरीके से स्पाइडर हमेशा मोशन में रहता है, उसी तरीके से जो स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं वो भी रेस्टलेस होते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, द स्पाइडर कैप्चर्स इट्स प्रे इन अ वेरी कनिंग एंड डिसेप्टिवली वोवन वेब. जो स्पाइडर होता है वो अपने प्रे को जब कैच करता है तो वो काफी कनिंग तरीके से कैच करता है. अगर हम पेशेंट की बात करें तो उनका बिहेवियर भी बहुत कनिंग होता है और वो काफी डिसेप्टिव होते हैं अपने बिहेवियर में. कनिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत पॉजिटिव ना हो, किसी भी नेगेटिव चीज के ऊपर वो इशारा कर रहा हो. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, द एक्शन ऑफ द पॉइजन ऑफ स्पाइडर इज वेरी वायलेंट. तो जो स्पाइडर होता है उसकी पॉइजन का एक्शन काफी वायलेंट होता है. और अगर हम उसी जगह स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट की बात करें तो लिखा है द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट आर ऑल्सो वायलेंट. जो पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं वो भी काफी वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक की होती हैं. Fourth point, the male spider is known to dance during the mating season to attract the females. Now, ये जो male spider के बारे में बात लिखी गई है यहाँ पे, that it is known to dance during the mating season to attract the females. वहीं अगर हम patient की बात करें तो लिखा है, the patient desires to dance which relieves his complaints. जिस तरीके से spider, जो male spider होता है वो मेटिंग सीजन में डांस करता है फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर हम पेशेंट की बात करें तो इसमें भी डांस की डिजायर होती है जो कि उसके कंप्लेंट्स को काफी रिलीफ देता है. नाउ मूविंग ऑन, हियर वी हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइडर ग्रुप. सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो रेस्टलेस एंड नर्वस हाइपर सेंसिटिव पीपल. जो स्पाइडर होता है रेस्टलेस होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया, और नर्वस और हाइपर सेंसिटिव पीपल मतलब
जो इसके पेशेंट होते हैं स्पाइडर ग्रुप के, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो काफी नर्वस और हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. सूटेड फॉर दोज हु आर क्विक एंड एगाइल, हैविंग कलरफुल पर्सनैलिटीज. ये ऐसे लोगों को सूट करती है जो काफी क्विक होते हैं, अपना काम बहुत जल्दी करते हैं और उनकी कलरफुल पर्सनैलिटी होती है. दैट मीन्स दे हैव अ वेरी अपीलिंग पर्सनैलिटी. पीपल विद आर्टिस्टिक ट्रेट्स एंड वेरी एक्टिव. ऐसे लोग जो आर्टिस्टिक ट्रेट के होते हैं और काफी एक्टिव होते हैं, उनके लिए जो स्पाइडर ग्रुप की रेमेडीज होती है वो काफी अच्छी होती हैं. अगर हम मियाज्म की बात करें तो यहाँ लिखा है ट्यूबरकुलर एंड सिफिलिटिक. जो सिफिलिटिक मियाज्म होता है, दैट मीन्स सिफिलिस, वो यहाँ पे स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन में ये मियाज्म हमें देखने को मिलता है और ट्यूबरकुलर मियाज्म भी होता है. अगर हम टेम्परामेंट की बात करें, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो स्पाइडर ग्रुप का पेशेंट होता है वो काफी रेस्टलेस होता है, वो नर्वस होता है और काफी इरिटेबल भी होता है. डायथेसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलर डायथेसिस होती है. ट्यूबरकुलर डायथेसिस मतलब क्या होता है? पर्सन्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, या फिर जिसको जो बहुत प्रोन होते हैं कोल्ड कैच करने के लिए, या फिर जिनको ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, उसे हम ट्यूबरकुलर डायथेसिस का पेशेंट कहते हैं. सो यहाँ पर जो स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट होते हैं वो उनकी डायथेसिस जो होती है वो भी ट्यूबरकुलर होती है. अगर हम थर्मल रिलेशनशिप की बात करें तो ये पेशेंट चिली होता है और वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड. दे आर चिली एंड दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड. स्फीयर ऑफ एक्शन अगर हम देखें स्पाइडर ग्रुप की रेमेडीज का, तो स्पाइडर ग्रुप की जो ज्यादातर रेमेडीज होती है वो माइंड पर, ब्लड पर, स्किन पर, सीएनएस पर, पेरिफेरल नर्व्स पर, हेड, हार्ट, एक्सट्रीमिटीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी बॉडी पर इन रेमेडीज का इफेक्ट होता है. अगर हम वहीं पर स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट के एलिमेंट्स की बात करें कि इनकी प्रॉब्लम किस चीज से बढ़ जाती है, तो नॉइस से, मोशन से, बहुत ज्यादा आवाज से, चलने फिरने से, ग्रीव दैट मीन्स सैडनेस से, स्टूपिंग से, झुकने से, क्लोजिंग आईज अपनी आंखें बंद करने से, साउंड से, साउंड नॉइस हम ऑल्टरनेट टर्म्स समझ सकते हैं, राइडिंग, बाइक राइड करना या कोई भी व्हीकल राइड करना, वॉशिंग से, सी ट्रैवलिंग से, फ्राइट से, डर लगने से, सेप्सिस से, डिसअपॉइंटेड लव, ये सारे वो चीजें हैं जो स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट की कंप्लेंट्स को बढ़ाते हैं. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, तो अब आपको स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा कि उनका पेशेंट कैसा होता है. नाउ इतना समझने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स पर. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फियरलेस या फिर करेजियस. तो जो स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट होते हैं वो काफी फियरलेस होते हैं, उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता और वो काफी करेजियस होते हैं, काफी हिम्मती होते हैं. मिसचीवियस दैट मीन्स जो बहुत शैतानी करता हो, या फिर जो जैसे बच्चे होते हैं वो कई बार बहुत सारी शैतानियां करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम मिस्चीवियस कहते हैं. कनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, जिसका बिहेवियर काफी डिस्ट्रक्टिव होता है. इनसेनिटी दैट मीन्स मेंटल कंडीशन एक लेवल पे डिस्टर्ब्ड हो जाना, हम उसे इनसेनिटी कहते हैं. एक्साइटमेंट, दे आर वेरी एक्साइटेड, वो काफी हमेशा खुश मिजाज रहते हैं और वो हर चीज के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट उनकी काफी कलरफुल और अपीलिंग पर्सनैलिटी होती है, तो वो काफी एक्साइटेड रहते हैं. दे आर रेस्टलेस, रेस्टलेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं स्पाइडर ग्रुप में दैट स्पाइडर्स आर वेरी रेस्टलेस. उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो भी रेस्टलेस होते हैं, और यहाँ पर हमने मेंटल सिम्टम्स में भी देखा दैट रेस्टलेसनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. मूविंग ऑन, नर्वसनेस, नर्वसनेस भी हमने देखी है, और जो स्पाइडर ग्रुप का पेशेंट होता है उसमें हमें काफी नर्वसनेस देखने को मिलती है. मूविंग ऑन, टाइम पासेस टू क्विकली, जो स्पाइडर ग्रुप का पेशेंट होता है उसके लिए टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है. सोशियबिलिटी, जो पेशेंट होता है वो काफी सोशल होता है, इमोशनल होता है. सैडनेस, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रीफ की वजह से, वो सैडनेस की वजह से बढ़ती है,
और इसकी जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उसमें भी हमें सैडनेस देखने को मिल रहा है एंड ऑल्सो वॉयलेंस. ये काफी जो स्पाइडर ग्रुप का पेशेंट होता है वो काफी वॉयलेंट होता है. Now friends, as we have already discussed few mental symptoms, अब हमारे पास एक आइडिया हो गया है कि स्पाइडर ग्रुप का जो पेशेंट होता है उसके मेंटल कंडीशन या फिर मेंटल सिम्टम्स उस पेशेंट में हमें किस टाइप के मिलेंगे. तो अगर आपके क्लिनिक में कभी भी कोई स्पाइडर ग्रुप का पेशेंट आता है तो आप उसे किस तरीके से पहचानेंगे वो हमने देख लिया. अब हम देखते हैं इनके कुछ फिजिकल सिम्टम्स. सो हियर इज रेस्टलेसनेस. एक बार फिर रेस्टलेसनेस यहाँ पर लिखा हुआ है. Is the common feature of spider and in physical and mental level. जो restlessness होती है वो spider group के patient में ना सिर्फ physical level पे बल्कि mental level पे भी हमें देखने को मिलती है. Hypersensitiveness is present in the group. Every sound penetrates the teeth. Even penetrating sound extends through the whole body. ये patient जो होता है spider group का वो इतना sensitive होता है that उसके जितने भी वो साउंड सुनता है, we have already seen that इसके ailments बढ़ जाते हैं साउंड की वजह से. तो ये जो साउंड होता है ये इसके टीथ को पेनिट्रेट करता है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी में वो एक्सटेंड कर जाता है. वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है साउंड के लिए. हाइपर एस्थीशिया. ऑल द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम ग्रीफ एंड एक्साइटमेंट. जो पेशेंट होता है स्पाइडर ग्रुप का इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो और वर्स हो जाते हैं और एग्रेवेट कर जाते हैं ग्रीफ या फिर मतलब सैडनेस या फिर एक्साइटमेंट की वजह से. पेन्स. द नर्व्स आर वेरी सेंसिटिव. पेन्स एज इफ अ थ्रिल इज पास्ड ओवर द बॉडी इन वेव्स एंड नॉजिया फॉलोज. तो पेन्स की बात करें तो जो नर्व्स होते हैं इसके पेशेंट के वो काफी सेंसिटिव होते हैं और पेन्स एज इफ थ्रिल इज पास्ड ओवर द बॉडी इन वेव्स एंड नॉजिया फॉलोज. और इसको दर्द होता है और ऐसा लगता है कि वो काफी थ्रिल्ड है, वो काफी डरा हुआ है और थ्रिल उसकी बॉडी में बिल्कुल वेव की तरह ट्रांसमिट हो रहा है और उसके बाद उसको नौजिया की सेंसेशन आती है. द स्पाइन इज वेरी सेंसिटिव. पेन बिटवीन स्कैपुला एकिंग ऑफ बैक. देयर इज ग्रेट स्पाइनल इरिटेशन. जो स्पाइन होती है स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट की वो काफी सेंसिटिव होती है. स्कैपुला पेन बिटवीन स्कैपुला इचिंग ऑफ बैक. देयर इज ग्रेट स्पाइनल इरिटेशन. स्पाइनल इरिटेशन हमें स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. कोरिया इज अ कॉमन फीचर ऑफ दिस ग्रुप. देयर इज कॉन्स्टेंट ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस. देयर इज जर्किंग ऑफ हैंड एंड जर्किंग ऑफ मसल्स ऑफ वन हैंड एंड वन लेग. व्हेन शी मेक्स एफर्ट टू टॉक होल वर्ड्स आर जर्क्ड आउट. सो कोरिया की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कॉन्स्टेंट ट्विचिंग होती रहती है मसल्स की. और वो कहाँ कहाँ की मसल्स है, फेस की मसल्स की बात की जा रही है, हैंड की मसल्स की बात की जा रही है, लेग्स के मसल्स की बात की जा रही है. और जब भी वो कोई भी एफर्ट करती है बात करने के लिए तो उसके जो वर्ड्स हैं दे आर ऑल्सो जर्क्ड आउट. जर्क्ड आउट मीन्स वो भी ट्विचिंग, मसल्स में ट्विचिंग होने की वजह से वो किसी भी तरह कभी कभी स्टैमरिंग की कंडीशन जैसे भी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. मूविंग ऑन हियर वी हैव फ्यू मोर फिजिकल सिम्टम्स. अनस्टीडीनेस. द गेट इज अनस्टीडी. देयर इज कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ लेग्स. वो कभी भी स्थिर शांत नहीं रह सकता, हमेशा उसके लेग्स में मोशन होता रहता है. टिंगलिंग एंड ट्रेमर्स आर एक्सेसिव. इसमें जो टिंगलिंग की सेंसेशन होती है या फिर ट्रेमर्स आते हैं वो काफी एक्सेसिव होते हैं. There is involuntary shaking in the body. Body में involuntary shaking हमें देखने को मिलती है. Vertigo on closing the eyes. जैसे ही वो आँख बंद करता है उसको vertigo की sensation, that means सब कुछ घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसी sensation उसे होती है. किस किस चीज से? On closing the eyes, from motion, stooping, झुकने से. On board a vessel, that means वो अगर किसी vessel, that means वो ship या फिर किसी vessel पे हो, मतलब सी ट्रैवल कर रहा हो. नॉइज विथ नॉजिया, वॉमिटिंग एंड कोल्ड स्वेट. इन सारी कंडीशन में उसको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है. वर्टाइगो विथ डिम विजन एंड पेन इन आईज. जब विजन डिम हो जाता है तो उसको जब वर्टाइगो की सेंसेशन होती है तो उस वक्त उसका विजन काफी डिम हो जाता है, दैट मीन्स उसे कम दिखाई देगा और उसकी आंखों में दर्द होता है. नॉजिया विथ पेन, सॉरी
nausea with many complaints, nausea with headache, worse on warm drinks. इसको nausea होती है बहुत सारी complaints के साथ. हमने already अभी भी देखा कि vertigo के साथ इसको nausea हो रही थी और pain के साथ इसे nausea की sensation हो रही थी. हमने अभी previous slide में देखा था. तो यहाँ लिखा है nausea with many complaints, nausea with headache, worse on warm drinks. इसको जब भी warm drink लेता है तो उसका जो nausea with headache, जब भी इसको नौजिया की सेंसेशन होगी, इसके सर में भी दर्द होता है और वो वार्म ड्रिंक लेने की वजह से उसको और प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ जाती हैं. पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स इज सीन इन स्पाइडर्स. जो स्पाइडर फैमिली के पेशेंट्स होते हैं या फिर मेडिसिन की बात हम करें तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलती है. ऑल द सिम्टम्स अकर एंड रिकर एट द सेम टाइम और रेगुलर इंटरवल. तो जो पेशेंट होता है इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं वो अकर, दैट मीन्स अपीयर होते हैं या फिर रीअपीयर होते हैं एट सर्टेन रेगुलर टाइम. फेब्राइल एंड न्यूराल्जिक सिम्टम्स रिटर्न विद क्लॉक लाइक रेगुलरिटी. जो फेब्राइल कंडीशन, दैट मीन्स फीवर लाइक कंडीशन होती है, या फिर न्यूराल्जिया की जो कंडीशन होती है, उन सारे सिम्टम्स भी बिल्कुल क्लॉक के साथ रेगुलरिटी, इतनी रेगुलरिटी होती है उनके अपीयरेंस में कि लगता है दैट दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन क्लॉक. सेप्टिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है. मोस्ट ऑफ द स्पाइडर रेमेडीज हैव मेन एक्शन ऑन ब्लड कॉजिंग सेप्टिक फीवर्स. जो स्पाइडर रेमेडीज मोस्टली होती है उनका इफेक्ट ब्लड पे होता है और वो कई बार सेप्टिक फीवर भी कॉज करते हैं. द चिल अकर्स एट सेम आवर एवरी अदर डे, एवरी वीक और एट सम रेगुलर पीरियड. तो जब भी फीवर की कंडीशन में या फिर सेप्टिक कंडीशन में कभी भी चिल्स की कंडीशन आती है तो उस वक्त जो चिल अपीयर होती है, जिस तरीके से हमने देखा दैट इसकी सारी कंप्लेंट्स में हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, तो चिल्स में भी हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फ्यू जनरल मोडालिटीज टू बी डिस्कस्ड. यहाँ पर लिखा है एग्रेवेशन. तो मोशन से स्पाइडर ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एग्रेवेशन होता है. टच से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नॉइज से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैर से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, साउंड या फिर नॉइज. ऑल्टरनेट टर्म्स डैम्प वेदर. कभी भी डैम्प कंडीशन जो होती है, दैट मीन्स बारिश का मौसम या फिर कोई ऐसा मौसम होता है जिसमें जो वातावरण है उसमें थोड़ी नमी मिलती है हमें, डैम्प वेदर, तो उसमें इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. पीरियोडिकल इनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी एट नाइट, और स्लीप के टाइम भी इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दैट मीन्स रात के वक्त और सोते टाइम इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. वहीं पर अगर हम एमिलियोरेशन की बात करें तो इनको ओपन ईयर से एमिलियोरेशन मिलता है, म्यूजिक सुनने से एमिलियोरेशन मिलता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो कंप्लेंट्स होते हैं इसमें आराम मिलता है डांसिंग से, सो यहाँ पर वो पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है, और वार्मथ से इसको एमिलियोरेशन मिलता है. So guys, this was all about the second group study in which we studied spider group. I hope I have made everyone understand. अगर आपको spider group से related कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं. इस video को like करना और अपने friends के साथ share करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Also आप मुझे comment करके ये जरूर बताइएगा कि आप next कौन सी group पढ़ना चाहते हैं. मैं उसके video जल्दी से जल्दी upload करने की कोशिश करूंगी. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.